ये तुम्हारा ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये तो थ्योरम से रिलेटेड है, और इसमें आपको एक थ्योरम आएगा बोर्ड में और इसकी चॉइस होगी चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो चैप्टर नंबर 12 हमने फर्स्ट टर्म में किया था, अब ये सेकंड टर्म में हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, और ये थ्योरम आपने मतलब प्रिपेयर करने हैं इसके साथ जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा पेयरिंग में चैप्टर नंबर 12 के साथ आएगी। इसमें कहीं यहाँ पर हमारा फर्स्ट थ्योरम है, इसमें कह रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट जो कि एक लाइन पे मतलब नहीं होते, तो वैसे पॉइंट में से सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है, इस बात को आपने आपने करना प्रूव। तो पहले आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं और वो हम आर पे ले सकते हैं, या पॉइंट लेके उसके बाद भी आप आर ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम 3 पॉइंट ले सकते हैं एक आर के ऊपर, ये एक आर का गेम हमारे पास, और यहाँ पे हम इसके ऊपर 3 पॉइंट ले सकते हैं जो पॉइंट ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे ये 3 पॉइंट्स के बारे में, गिवन में कह रहा है ए बी एंड सी और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ये हमारे पास प्लेन आ गया और इसके अंदर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी और सी, और जो हमने चीज़ प्रूव करनी है वो ये है कि इन पॉइंट में सिर्फ एक सर्कल पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे प्रूफ के अंदर के वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसके लिए आपने यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए हम इसके राइट बाई साइड ड्रा करने हैं इन 3 पॉइंट्स के। तो पहले हम ए बी का राइट बाई साइड ड्रा करेंगे, तो पहले आप ए को ज्वाइन करेंगे बी के साथ और फिर बी का आपने ज्वाइन करना है सी के साथ। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने जो सर्कल का सेंटर था वो इससे एक बाईसेक्टर ड्रा करना है इस पॉइंट के ऊपर, मतलब राइट बाईसेक्टर। ये आप ज़रूरी नहीं कि आप एंगल मेजर करके बनाइए, सिर्फ हमने अपनी मतलब रीजनिंग के लिए बनाना है, यहाँ से एक राइट बाईसेक्टर ड्रा कर सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट डी पर मैच करेगा और इसको हम एफ कह सकते हैं। और फिर इसी तरह ये जो हमने ड्रा किया बाईसेक्टर डी एफ वो ए बी के ऊपर है, और इसको यहाँ से भी एक बाईसेक्टर ड्रा करना है जो कि इस पॉइंट में से पास करता हो। और ये बाईसेक्टर पॉइंट एच के ऊपर है और ये के है, ठीक। उसके बाद आपने इस तरह हम ने 9th क्लास में यह था 12th चैप्टर के अंदर के इसमें राइट बाई सेक्टर की तरह इसका ये इक्वी डिस्टेंस जो है ये फासला हमने इसका बनाना है, इसको ज्वाइन करना है ओ को, इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी को ज्वाइन कर दें आप ओ के साथ। तो ये हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट होगी, इसमें
कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने लिखे हैं जो हमने किया यहाँ पे, यहाँ पर हमने सबसे पहले ज्वाइन किया था ए को बी के साथ और बी को सी के साथ, तो वो लिखेंगे ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। उसके बाद हमने ने बाइसेक्टर ड्रा किए थे इन लाइन सेगमेंट के, ए मतलब ए बी का बाइसेक्टर जो है वो एफ डी और जो मतलब बी सी है उसका बाइसेक्टर मतलब एच के, उसको ड्रा द बाइसेक्टर्स। मतलब डी एफ जो के इसके ऊपर परपेंडिकुलर था टू ए बी एंड एच के जो के राइट बाय सेक्टर था टू बी सी। इसके बाद हमने ज्वाइन किया था पॉइंट ओ को ए बी और सी के साथ, और ये जो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी पॉइंट ओ के ऊपर। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और ये पॉइंट ओ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। उसके बाद आपने करना था कि ज्वाइन करना था ए बी और सी को पॉइंट ओ के साथ। उसके बाद आप ले सकते हैं ज्वाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी टू पॉइंट ओ। तो याद रख हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली। इसके बाद अब इसका प्रूफ करेंगे। और प्रूफ के लिए मेरे पास होंगे स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस। इसके साथ हमने की डायग्राम अपने जहन में रखनी है और इसके मुताबिक हम इसकी स्टेटमेंट एंड रीजन लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि जो सा यहाँ पे डी एफ के ऊपर मतलब हर पॉइंट जो है वो मतलब ए बी से मतलब इक्वी डिस्टेंट होगा, चूँकि ये डी एफ जो है वो राइट बाई सेक्टर है मतलब ए बी का, और इससे मतलब हर पॉइंट जो भी इसके ऊपर होगा वो इक्वी डिस्टेंट। अगर आप यहाँ से लेंगे ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक फासला जो है वो सेम होगा जी। और ये हमारा नाइन्थ क्लास का 12th चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम था कि एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसके एंड पॉइंट से ये जो फासला है इसका सेम होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए एंड बी। और इसकी रीज़न क्या है कि डी एफ जो है वो राइट बाई सेक्टर है ए बी का।
और ये बात हमने साबित की थी कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेयर ऑफ ओ बी, इसको आप डॉट नंबर वन रखें। अब इसी तरह ये सेकंड बाय सेक्टर है जो सा यहाँ पर इसकी साइड है बी सी, इसका जो सा सेकंड बाय सेक्टर है जो के है एच के, इस पर भी जो हर पॉइंट होगा वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं क्योंकि ये राइट बाई सेक्टर है एच के और ये पॉइंट बी और सी जो इसके एंड पॉइंट है इनसे वो पॉइंट जो है बराबर फासले पर मौजूद होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम बी एंड सी। इस तरह हम लिख सकते हैं कि ओ बी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है तब ओ सी डिस्टेंस की, और ये हमारी स्टेटमेंट नंबर टू। चूँकि यहाँ पर एच के जो है वो राइट बाय सेक्टर था आप बी सी, और ये बात हमने किसी प्रूफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सा कॉमन पॉइंट आ रहा है वो सिर्फ ओ है, जो कि यहाँ पर डी एफ और एच के का जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ ओ बन रहा है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है वो इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ओ जो है वो मतलब इक्वी डिस्टेंट है ए बी और सी से, क्योंकि यहाँ से लेके जो फासला यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक है वही ओ से लेके बी तक और वही ओ से लेके सी तक, और ओ ही इन मतलब राइट बाय सेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है। इसे हम कह सकते हैं कि नाउ ओ इज द ओनली कॉमन पॉइंट टू डी एफ एंड एच के जैसे विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। क्योंकि ए बी और सी से इक्विडिस्टेंस है, तो ये जो हमारे रिजल्ट नंबर वन और टू था इसे भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर ओ ए अगर इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो इसका मतलब है कि ओ सी भी इन दोनों के इक्वल होगा। यहाँ से हम इन दोनों रिजल्ट से मतलब रीजनिंग करके ये हम लिख सकते हैं कि फिर मेयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेयर ऑफ ओ बी और ये इक्वल होगा मेयर ऑफ ओ सी के। इसे हम कहते हैं यूजिंग वन एंड टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट ए बी और सी इनका जो सबसे कॉमन पॉइंट आ रहा था वो सिर्फ था ओ, इसका मतलब है कि ओ जो है वो उसके अलावा यहाँ पे हमारा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और ओ से लेके जो इन तीनों पॉइंट तक जो सा डिस्टेंस था वो इक्वी डिस्टेंट था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब सेंटर से लेके जो सर्कल तक फासला होता है वो रेडियस होता है। ये तीनों फासले असल में क्या थे, रेडियस थे, इसके अलावा कोई फासला जो है वो रेडियस के इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पे यहाँ या फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन पॉइंट एक ही है और वही असल में सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से हम मतलब रीजनिंग कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट, सेट ओ, इसलिए जो पॉइंट है समय वो सर्कल का सेंटर है, हेंस द सर्कल विद सेंटर ओ
एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं, इसे हम कह देंगे इसमें सिर्फ तीन पॉइंट में से एक ही सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली देर इज ओनली वन सर्कल, तो विच पासिस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। जो के थे असल में ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम नंबर वन जो है कंप्लीट हो गया। अब थ्योरम नंबर टू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और वो कॉर्ड जो है वो डायमीटर जो है नहीं होना चाहिए, मतलब कॉर्ड विच इज़ नॉट डायमीटर, क्योंकि डायमीटर का जो उसका डिस्टेंस है वो सेंटर से जीरो होता है, इस वजह से वहाँ से लाइन ड्रा नहीं हो सकती। पर इसी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें कहता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रा कर सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, वो क्या होगी, मतलब इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो कॉर्ड के क्या होगी परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन अगर हमने ड्रा किया सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कॉर्ड के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है। उसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा करेंगे पहले। तो ये सर्कल आ गया हमारा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर ओ और ये कार्ड हो गया तो सर्कल का ए बी। अब यहाँ से जो हमने इसको बाइसेक्ट करने के लिए लाइन ड्रा करनी है, ये पॉइंट एम पे जाके मिलेगी और यहाँ से हमने देखना है कि अब ये जो 90 के एंगल में आती है कि नहीं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे इस डायग्राम के मुताबिक। पहले आएगा हमारे पास गिवन, गिवन में मतलब एक सर्कल था विद सेंटर ओ और एम जो है वो मिड पॉइंट था इस कॉर्ड का। तो हम लिख सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी, मतलब कॉर्ड कहीं भी हो सकता है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ और ये जो ए बी है जो कि ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा है इसलिए ये सर्कल का डायमीटर नहीं होगा। ए बी इज नॉट द डायमीटर
आफ्टर सर्कल। और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो इसका एंगल है वो राइट एंगल है। तो टू प्रूव में हम लिख सकते हैं कि जो उसका एंगल ओ एम का जो ए बी के साथ है वो मतलब राइट एंगल है, या हम कह सकते हैं कि ओ एम जो है वो है परपेंडिकुलर ए बी पे। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम उसमें हमने ज्वाइन करना है ओ को ए और बी के साथ। ओ को पहले ए से ज्वाइन कर दिया फिर बी से, और इन दोनों के नाम रख सकते हैं आप एंगल के वन और ये एंगल टू हो गया। तो इसमें हमने ज्वाइन किया है ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। And write angle 1 and angle 2 as shown in the figure. इसके बाद हमें इसका प्रूफ करना है, उसके लिए स्टेटमेंट और रीजंस चाहिए हमें। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ओ ए एम और एक ओ बी एम। इन दोनों की हमने आपस में कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है, मतलब इनमें से देखना है कि कौन सी साइड्स या एंगल भी सेम है। इसलिए लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ओ ए एम और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल मिनिमम ट्राइंगल ओ बी एम के साथ। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले जो सेम चीज़ है वो है ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्योंकि पॉइंट ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है और ए और बी जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे है, और मतलब सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और एक सर्कल के सारे जो रेडियस हैं वो सेम होते हैं। इसलिए हम देखते हैं मेजर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ बी, ये क्या है रेडियस है सेम सर्कल के, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद जो सही है ये जो सा डिस्टेंस है जो कि हमने इसका मिड पॉइंट भी ज्वाइन किया है, इसलिए जो सा डिस्टेंस ए एम है वो इक्वल है बी एम के। इसलिए मेजर ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी एम, क्योंकि ये बात हमें मतलब गिवन में थी, और ये जो लाइन ओ एम है ये कॉमन है आपस में, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों साइडें जो हैं वो इन ट्राइंगल्स की सेम है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड सेम हो तो वो ट्राइंगल भी आपस में कंग्रुएंट होती हैं। इसलिए इसका मतलब है कि ट्राइंगल ओ ए एम इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, ये हमारे पास साइड 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 इज कंग्रुएंट टू साइड साइड एंड साइड। अगर ट्राइंगल की अगर तीनों साइडें सेम हो तो वो ट्राइंगल साइज और शेप में सेम होती है और वो ट्राइंगल होती है कंग्रुएंट। अब देखेंगे ट्राइंगल कंग्रुएंट तो उसके एंगल भी दोनों जो है ये सेम होंगे आपस में, इसमें हम कहते हैं कि एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कंग्रुएंट ट्राइंगल्स के। इससे हम कह सकते हैं कि मेयर एंगल वन इज इक्वल टू मेयर एंगल टू। इसको मान रख लेते हैं चूँकि ये क्या है तो करस्पॉन्डिंग
एंगल्स ऑफ ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ से डायग्राम से कि ये ए एम बी असल में जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ये ना ये तब इक्वल होता है 180 के। इसका मतलब है कि मेरा एंगल 1 प्लस मेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए एम बी, और वो एंगल असल में इक्वल है 180 डिग्री के। इसको जरा नंबर 2 कह सकते हैं हम, क्योंकि ये सब एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 180 के करो तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब यहाँ से हम जरा निकाल सकते हैं कि अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हैं और इनका सम अगर 180 है तो 180 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि एंगल 1 भी 90 के इक्वल है और एंगल 2 भी 90 के इक्वल है। इसलिए हम देख सकते हैं कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 290 डिग्री ये फ्रॉम 1 एंड 2। और इसे हम कह सकते हैं जो कि एंगल 90 का, इसका मतलब है कि जो ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए दैट इज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये यहाँ पर हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 3 जो कि इसी का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। तुम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें सेंटर ऑफ ऑफ सर्कल से कॉर्ड पे तो इसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उसमें ये था कि अगर बाइसेक्ट करें तो वो मतलब परपेंडिकुलर होता है थ्योरम नंबर 2 के अंदर। तो ये उसका कन्वर्स है कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें आप सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड के ऊपर तो ये उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, हम सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये सर्कल आ गया, इसके बाद विद सेंटर ओ रिकॉर्ड ड्रा करेंगे ए बी, ये पॉइंट ये ए ये बी, और यहाँ से जो कि उसने कहा था कि ये इसके ऊपर है परपेंडिकुलर तो इसलिए हम यहाँ से 90 के एंगल बनाएंगे। फिर से ये पॉइंट ओ एम है और ये एंगल ये भी 90 का और ये भी एंगल 90 का। तो इसको देखते हुए पहले लिखेंगे हम कि हम गिवन में ए बी एक कॉर्ड था सर्कल का, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट ओ एम जो है ये जो लाइन है ओ से एम तक ये है परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर ड्यू टू कॉर्ड ए बी। तो प्रूव हम नहीं ये करना है कि इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब जो सर डिस्टेंस ए एम है वो डिस्टेंस बी एम के इक्वल है।
एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज मेजर ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ डी एम, ये आपने प्रूव करना है इसके अंदर। उसके बाद आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, उसमें हमें ड्रा करना है ओ को ए के साथ हमने मैच कर देना और फिर ओ को बी के साथ मैच करना है। तो हम इसे जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, इसका इसका प्रूफ आएगा जिसमें हम स्टेटमेंट और रीजंस लिखेंगे। तो एंगल ऑलरेडी दिए थे हमें राइट एंगल्स, इसलिए हम इन ट्रायंगल्स को राइट ट्रायंगल्स लिख सकते हैं और इनकी की हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। तो इन द राइट ट्रायंगल्स ओ ए एम, ये ओ ए एम और ओ बी एम, इसके अपने कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल ओ बी एम के साथ। तो ये एंगल हमें ऑलरेडी यहाँ पर मतलब गिवन थे कि ये क्योंकि ओ एम जो है वो था परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी के ऊपर, इसलिए जो एंगल बन रहे हैं वो 90 के बन रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेयर एंगल ओ एम ए, योर एंगल ओ एम ए इक्वल टू मेयर एंगल ओ एम बी, और ये इक्वल है 90 डिग्री के, और ये बात है गिवन के अंदर। उसके बाद 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये एंगल 90 का इसके सामने हाइपोटेन्यूस है और वो असल में है रेडियस सर्कल का। और यहाँ से भी अगर हम ट्रायंगल ओएमबी की बात करें या ओबी हम कह सकते हैं आप, इसमें जो सा मतलब जो एंगल 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये इसका हाइपोटेन्यूस होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस है मेयर ऑफ ओ ए वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस मेजर ऑफ ओ बी के। तो ये क्या थे मतलब रेडियस है सेम सर्कल के। उसके बाद ओ एम कॉमन है, मेजर ऑफ ओ एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ एम, ये क्या है कॉमन। इसमें हमने एक एंगल प्रूव किया इक्वल एक साइड और फिर साइड, इसको आप एस ए एस पास्टुलेट भी कह सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस इक्वल है तो इसको एच एस पास्टुलेट भी कह सकते हैं। एच एस पास्टुलेट में ये होता है कि मतलब हाइपोटेन्यूस और एक साइड जो है वो इक्वल आना ज़रूरी होता है। तो इसमें मतलब हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है इसलिए इसको आप कह सकते हैं मतलब एच एस इज इक्वल टू एच एस, या फिर इसको आप कह सकते हैं एस ए एस पास्टुलेट, चूँकि साइड एंगल साइड जो है वो इक्वल है साइड एंगल साइड के। मतलब इसको आप यहाँ पे एस ए एस पास्टुलेट या फिर मतलब एच एस कह सकते हैं, चूँकि एच एस जो है वो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स का होता है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल जो थी ओ ए एम, ये ट्रायंगल इक्वल आ गई आपकी ट्रायंगल ओ बी एम के। इसके बाद अगर ट्रायंगल इक्वल है तो उनकी फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगी।
इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंथ मेजर ऑफ ए एम इक्वल टू मेजर ऑफ बी एम, ये क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड कंगुएंट ट्रायंगल्स की। तो इसका मतलब है कि अगर ये साइड सेम है तो इसका मतलब है कि ओ एम जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं कॉर्ड को, हम बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। इसके बाद आ गया था थ्योरम नंबर फोर, और इसमें कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट then they will be equidistant from the center। मतलब अगर एक सर्कल के दो कार्ड्स अगर कंग्रुएंट हों, मतलब सेम हों साइज और शेप में, तो वो सर्कल से के सेंटर से इक्वल फासले पे होंगे। तो उसके पहले हम सर्कल बनाएंगे, फिर उसके दो कार्ड बना के देते हैं कि हमारे पास पहले क्या चीज़ गिवन है। तो ये सर्कल आ गया। तो कहता है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट, तो दो कार्ड बनाएंगे जो कि ऑलमोस्ट कंग्रुएंट होंगे। इस तरह एक कार्ड यहाँ से यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं और दूसरा कार्ड भी इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं इस डिस्टेंस से। ये दो कार्ड हैं, एक ए एक बी, सी और डी। तो हमने ये चीज़ प्रूव करने के लिए सर्कल से इक्विडिस्टेंट है अगर एक कार्ड अगर आपस में कंग्रुएंट होगा। तो कह रहे हैं कि इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से बराबर फासले पर मौजूद होंगे। तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं असल में वो हम 90 के एंगल पे लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो होगा परपेंडिकुलर, ये सेंटर आ गया ओ। तो ये जो हमने गिवन इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक आप लिखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इसमें कि ए बी जो है, ए बी ये लाइन और सी डी दूसरी लाइन, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। वे सेंटर एट ओ, इन दोनों का सेंटर जो है वो पॉइंट ओ के ऊपर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओ एच है इसका हम नाम दे रहे हैं एच और ये के, सो दैट ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी
एंड ओके इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमने इसका प्रूव ये करना था कि ये कार्ड जो है सर्कल से बराबर फासले पर, यानी ये जो कार्ड ए बी है इसका फासला ओ से लेके कार्ड तक जो कि ओ एच है वो फासला इक्वल है ओ से लेके के तक, मतलब ओ एच इज इक्वल टू ओ के। तो टू प्रूफ के अंदर आएगा मेरा ओ एच टू मेयर ऑफ ओ के। यहाँ से हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करना है ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ, इसको दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना है। फिर ज्वाइन करेंगे ओ को ए के साथ, फिर ओ को सी के साथ, जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, मतलब जॉइन किया ओ को ए के साथ और फिर ओ को सी के साथ। सो दैट वी हैव दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हमने बनाई, एक ओ ए एच यानी ओ ए एच और दूसरी ओ सी के एंड ओ सी के। अब करना है इसका प्रूफ। प्रूफ के स्टेटमेंट एंड रीजंस, स्टेटमेंट्स और साथ आएंगे इसकी रीजंस। हम कहते हैं कि ओ एच जो है ये था मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थी कि क्योंकि ओ एच जो है था वो था परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, जो कि जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है और वो असल में परपेंडिकुलर होता है। इसलिए ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी, तो दैट इज मीर ऑफ ए एच इक्वल टू हाफ है मीर ऑफ ए बी के। फिर जो ए एच है देखें जो फासला यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके बी तक है, एच उसका मिड पॉइंट है जो कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता होगा मतलब तो अगर 90 डिग्री भी हो तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो अगर बाइसेक्ट करता होगा तो इसका मतलब है ये इसको दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। इसका मतलब है कि जितना फासला ए से लेके बी तक है और ए से लेके एच तक वो ए बी का हाफ होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेयर ऑफ ए बी, क्योंकि ओ एच जो है वो असल में था परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, और अगर ये इसके ऊपर हो परपेंडिकुलर तो इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट्स इट, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है सामने। तो
इसी तरह जो है वो ओके जो साइड है ये वाली, ये मतलब बाइसेक्ट करिए सी डी को, इसे कहते हैं कि ओके बाइसेक्ट्स, इसको आप मतलब बन रख लें। द कॉर्ड सी डी, यहाँ से आप देखते हैं कि ये कॉर्ड सी डी है और ये ओके इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट करता है तो मतलब अगर 90 डिग्री पर हो तो वो इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट इज मेरा सी के इज़ 1/2 सी डी। तो यहाँ से देखिए फासला जो था सी डी, चूँकि इसका बाइसेक्टर है इसलिए ये जो सा डिस्टेंस होगा सी के, ये मतलब इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी, इसलिए हमने लिखा है सी के इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 और इसकी रीज़न जिस तरह हमने मतलब पहले में बयान की है एज इन 1। तो यहाँ से मैं जो चीज़ बताई गई थी शुरू में कि द टू कार्ड था फॉर सर्कल, टू कार्ड या सर्कल के वो हैं कंगोरेंट, इसका मतलब है जो कार्ड ए बी है वो कंगोरेंट है कार्ड सी डी के, मतलब ए बी जो है वो सी डी के वो होगा कंगोरेंट, तो इसलिए हम कह सकते हैं वन ए बी फिर मेरा सी डी सेम है, चूँकि ये चीज़ हमें बताई गई है गिवन में, तो मुझे एक वेन सेम है तो उनके हाफ भी सेम होंगे, मतलब अगर मतलब ए बी सेम है मतलब सी डी के, इसका मतलब है कि उनके हाफ जो है मतलब ए एच जो है वो सी के इक्वल होगा, हेंस ए एच इज इक्वल टू सी के। क्योंकि ये जो कार्ड था मतलब ए बी ए एच इसका हाफ था और सी डी जो था उसका हाफ था सी के, तो अगर ये कार्ड्स का कंगोरेंट है फॉर एग्जांपल अगर इनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी इसका हाफ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब ए एच भी 2 सेंटीमीटर है और सी के भी, मतलब अगर कार्ड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी सेम होंगे, इस वजह से हम कहते हैं कि ए एच इज इक्वल टू सी के। और ये इसको स्टेटमेंट नंबर 4 रखे और ये हमने कहाँ से निकाली, तो यूजिंग 1, 2 and 3। इसके बाद हमने प्रूव करना था ओ एच और सी के, तो ये हमारे पास हाफ आ गई और ये मतलब एंगल भी 90 का इक्वल आ गया और ये दो रेडियस हैं, तो इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल इक्वल है, और ट्रायंगल इक्वल होंगी तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी सेम होंगी। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं मतलब इन मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच, और इसकी अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस लें ओ सी के साथ, जिस तरह इससे पहले वाले थ्योरम में हमने बात की थी कि अगर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका सिर्फ हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत होती है, इसको हम एच एस पास्टुलेट बोलते हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे इसका मतलब एच एस पास्टुलेट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। इसी जो इसका हाइपोटेन्यूस है ओ ए वो इक्वल है हाइपोटेन्यूस ओ सी के, क्योंकि ये ओ ए डिस्टेंस और ओ सी डिस्टेंस सेम है, चूँकि ये रेडियस है सेम सर्कल का, जब कहते हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट जो एक साइड हमने प्रूव की थी ऊपर मतलब ए एच इज इक्वल टू सी के, इसलिए हम कहते हैं ए एच इक्वल टू सी के, और ये बात हमने प्रूव की थी रिजल्ट नंबर 4 के अंदर, तो ये दोनों साइड सेम है मतलब हाइपोटेन्यूज साइड, तो इसलिए ये ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए एच इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ सी के, तो ये कहाँ से एच एस पास्टुलेट से, तो ये सेम है तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल ओ ए एच और ओ सी के ट्राइंगल अगर सेम है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है मतलब ओ एच और ओ के ये भी सेम होंगी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी यहाँ पर, क्योंकि ये फासला जो है वो मतलब बराबर है ओ से लेके
जो फासला एच तक है वही ओ से लेके फासला के तक, तो ये अगर फासला एक है तो उसका मतलब है कि कार्ड ए बी और थ्री डी आपस में इक्वी डिस्टेंट है। समझते मेजर ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंगोनेट ट्राइंगल्स की। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ऑफ कंगोनेट ट्राइंगल्स, और अगर ये वाला जहाँ पे डिस्टेंस सेम है इसका मतलब है कि कार्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमारा मतलब फोर्थ थ्योरम भी प्रूव हो गया। इसके बाद हमारा थ्योरम नंबर फाइव है जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है, उसको भी सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट। मैं कह रहा है कि टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कंग्रुएंट। ये मतलब कन्वर्स है थ्योरम नंबर फोर का। तो क्या है कि अगर दो कार्ड्स हों जो कि मतलब इक्वी डिस्टेंस हो सेंटर से तो वो क्या होते हैं कंग्रुएंट। और जो हम थ्योरम नंबर फोर प्रूव किया उसके अंदर ये था कि अगर दो कार्ड अगर अगर कंग्रुएंट हो तो वो मतलब सेंटर से मतलब इक्वी डिस्टेंट होते हैं। पर हम सर्कल बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या चीज़ गिवन है हमारे पास। तो ये आ गया सर्कल, इसके बाद दो कार्ड्स ड्रा करेंगे। कार्ड ए बी और ये कार्ड सी डी और इस इसका सेंटर आ गया ओ। तो सबसे पहले हम देते हैं इसका गिवन, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेंटर हो और यहाँ से जो फासला हमने लेना साथ वो ओ एच और ओ के, तो जो हम मतलब डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर ओ एच और ये ओ के। ओ एच जो है वो मतलब परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर एंड ओ के जो है परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। सो दैट मेजर ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ के। टू प्रूव
ख्याल से हमने इसके स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि टू कार्ड विच आर इक्विटी फ्रॉम द सेंटर आर कॉमन, मतलब कार्ड प्रूव करना है कि जो कार्ड ए बी है वो मतलब सेम है कार्ड सी डी के, इसलिए हमने प्रूव करेंगे मेरा ए बी इक्वल टू मेरा सी डी। आगे करते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने इसकी ट्रायंगल्स बनानी है। ओ को पहले ज्वाइन करना है ए के साथ, फिर ओ को ज्वाइन करना है सी के साथ। ज्वाइन ए एंड सी विद सेंटर ओ सो दैट वी कैन फॉर्म टू ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी दो, एक ट्रायंगल आ गई ओ ए एच और दूसरी ओ सी के। अब इसको मतलब सॉल्व करने की टेक्निक ये होगी, आपने इसके हाफ इक्वल प्रूव करने हैं, क्योंकि ये अगर ओवरऑल ए बी देखा जाए तो ये किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर ए एच देखा जाए तो ये ट्रायंगल ओ ए एच का पार्ट है, और इसके सी डी अगर देखा जाए तो ये भी किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं, लेकिन सी के देखा जाए तो वो पार्ट है ओ सी के का। इसलिए हम अगर हम ए बी सॉरी ए एच और सी के को मतलब अगर इक्वल प्रूव कर लें, अगर इसके हाफ मतलब इक्वल हैं तो फिर ये कार्ड्स भी इक्वल होंगे, फिर इसके हम हाफ इक्वल प्रूव करेंगे। पहले स्टेटमेंट ओरिजिनल लिखेंगे पहले इसकी प्रूफ के अंदर, लेंगे स्टेटमेंट और यहाँ पर रीजंस। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एच, इसको हमने कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है ए ओ सी के साथ। तो इसमें भी हम चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें इसलिए एंगल की जरूरत नहीं, इसमें हम एच एस पास्टुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम हाइपोटेन्यूज यूज़ करेंगे जो कि असल में है ओ एच और ओ सी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ सी, चूँकि असल में क्या है रेडियस है सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास गिवन थी वो था ओ एच इज इक्वल टू ओ के, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरफ ओ एच इज इक्वल टू मेरफ ओ के, ये बात हमारे पास आई गिवन में से। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल प्रूव होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एच ये मतलब कॉन्गुएंट ट्रायंगल ओ सी के, ये है हमारे पास एच एस पास्टुलेट। अगर ये सेम है तो फिर इसका मतलब है कि जो ए एच इक्वल है वो सी के, सो ए एच इज इक्वल टू मेरा सी के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव हुए हैं और ये साइड जो है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसे हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल्स। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ एच,
जिसे हम कहते हैं कि ए एच जो है वो हाफ है ए बी का, ये क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ए एच जो है वो बाईसेक्ट करता है कॉर्ड ए बी का, तो फिर ये इसका बाईसेक्टर है इसलिए ये इसको हाफ मतलब टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा। इसी तरह जो मेरा सी के ये हाफ है मेरा सी डी का, इसे कार्ड सी डी कर दें और ये बात है गिवन में। इसलिए यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट नंबर वन था उसमें ये चीज़ सेम थी, इसे हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सिंस मेरा ए एच इक्वल टू मेरा सी के, तो ए एच की वैल्यू यहाँ पे थी 1/2 ए बी और यहाँ पे सी के की वैल्यू थी 1/2 मेरा सी डी, ये आपस में कैंसिल हो गया। जो बाकी रिजल्ट आया हमारे पास इधर से मेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेयर ऑफ सी डी, तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि कार्ड ए बी जो है वो सेम है कार्ड सी डी के। तो ये हमारे थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गए इसके, ये आपने मतलब इसको लिख के इसकी मतलब प्रेपरेशन करनी है कि ये मतलब इनमें से इन पाँच थ्योरम में से एक थ्योरम 8 मार्क्स का बोर्ड में लाजमी आएगा। नेक्स्ट इसकी जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है वो करते हैं, इसमें MCQs भी एक आएगा इसमें। इस तरह की हमारे पास यहाँ पर है मिस्ट्री ने एक्सरसाइज 9, तो इसका फर्स्ट MCQ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द फोर पॉसिबल आंसर आर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट MCQ है कि इन द सर्कुलर फिगर ADB इज कॉल्ड, देखें ADB ये मतलब एक लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, तो इसलिए ये मतलब सर्कल का कॉर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन द सर्कुलर फिगर ACB इज कॉर्ड ACB। अब यहाँ से देखें हमने मतलब सर्कमफेरेंस का एक पार्ट जो है वो हम ले रहे हैं, तो मतलब सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं आर्क, तो इसलिए ये असल में क्या है आर्क है, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करेंगे। कहते हैं इन द फिगर AOB ए मतलब एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर और O सेंटर है और B भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो ऐसा कार्ड जो कि सेंटर में से पास करता हो उसको हम बोलते हैं डायमीटर, तो इसलिए ये है एक डायमीटर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। उसको कहता है कि इन द सर्कुलर फिगर टू कार्ड AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दे विल बी, फिर कहता है कि ये मतलब A और B अगर मतलब इक्विडिस्टेंट हों तो ऐसे कार्ड जो हैं वो होंगे मतलब कंग्रुएंट, तो इसलिए आप इसका आप ऑप्शन नंबर C जो है वो चूज़ करेंगे, क्योंकि ये कार्ड मतलब सर्कल से मतलब बराबर फासले के ऊपर है, तो इसका ऑप्शन C होगा। इसके बाद MCQ नंबर 5, इसमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, इसमें मतलब तो ये चीज़ पढ़ी थी कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेके सर्कल तक फासला होता है और वो सेंटर से लेके सर्कल तक फासला आप सर्कल में जिस स्मृति पॉइंट के ऊपर लें वो सेम ही आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में मतलब इक्वल होते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करेंगे। उसके बाद 6 MCQ कहता है कि अ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। उसके बाद 7 कहता है कि द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द, देखें कि जो राइट बाई सेक्टर है वो जब सर्कल को बाईसेक्ट करता है और वो हमेशा सेंटर में से पास करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर C चूँकि ये सेंटर में से पास करेगा। उसके बाद
एट में कह रहा है कि द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय द टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब इस तरह का मतलब एक रीजन जो कि दो रेडियस और एक आर्क को करता है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। उसको कहता है कि ऑप्शन नंबर नाइन में कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर, क्योंकि इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि तो सेंटर से लेकर सर्कल तक जो सा फासला था उसको हम बोलते हैं रेडियस। उसको टेंथ में कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सेंटर, मतलब सर्कल और सेंटर को जो लाइन जॉइन करती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, तो उसका लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेडियो सेगमेंट। अगर इसके बाद 11th MCQ है, इसमें कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल, और ये सर्कल की डेफिनेशन है। ये जब हमने चैप्टर नंबर 12 किया था फर्स्ट टर्म में, उसमें हमने ये सारी डेफिनेशन जो है लर्न की थी, लेकिन वो मतलब डेफिनेशन जो है हम चैप्टर नंबर मतलब 9 की है असल में, तो इसलिए आपने ये रेफिशन मतलब लर्न करनी है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, जो सर्कल के सारे मतलब कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि द सिंबल ऑफ अ ट्रायंगल इज नोटेड बाय दिस, तो ये ट्रायंगल का सिंबल, और यहाँ से हमारी अब आ गया है तो MCQ नंबर 13, इसमें कह रहा है कि कंप्लीट सर्कल डिवाइड इनटू 360 डिग्रीज, और ये हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था कि एक सर्कल के अगर हम 360 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो एक डिग्री कहलाता है। उसको कह रहा है कि थ्रू हाउ मैनी नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट कैन अ सर्कल पास, तो वो 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट में से एक सर्कल जो है वो पास कर सकता है, ये जो हमने तीनों नंबर 1 के अंदर प्रूव किया था। उसके बाद ये मतलब डेफिनेशन है, ये आपकी समरी के अंदर से भी आपको मिल जाएगी, और ये इसकी डेफिनेशन पेज नंबर मतलब पेज नंबर 180 में, और ये सारी डेफिनेशन हमने जब मतलब फर्स्ट टर्म में जो एक्सप्लेन की थी इनको आप यहाँ से मतलब लर्न कर सकते हैं मतलब पेज नंबर 180 पे। उसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर मतलब 9 जो है कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।